वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये पीकॉक ज्वेलरी हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक फेदर, और आपके पास कोई भी ढक्कन पड़ा हो या कोई राउंड शेप की कोई बॉटल या कुछ भी हो, तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट ली फेदर के ऊपर रख के, फिर हमें कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड को ऊपर लेके उसको राउंड में शेप में कट कर देना है आपको जितना बड़ा चाहिए उतना, क्योंकि फेदर की जो साइज होती है वो बहुत अलग अलग होती है। इसलिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे रिंग, तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड कट कर लिया है। उसके बाद मैं ग्रीन कलर का फैब्रिक भी कट कर दिया उससे थोड़ा ज्यादा, और यहाँ पे मैं ग्लू फैब्रिक ग्लू यूज कर रही हूँ और उसके ऊपर साइड में मैंने अप्लाई किया है और इसको पेस्ट कर देंगे। पीकॉक फेदर की जो ज्वेलरी है आजकल बहुत ट्रेंड में है, आप मेहंदी में, अपनी गोद भराई रसम में और भी हल्दी में भी आप इसको बना के पहन सकते हो और आप सेल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड को फैब्रिक से कवर कर दिया है। अब इसके फ्रंट पोर्शन में हमें फैब्रिक ग्लू अप्लाई करना है, और बड़े ध्यान से हमें जो बीच वाली डिजाइन है वो सेंटर में आए उस तरीके से इसको हमें पेस्ट करना है, क्योंकि लास्ट में आजू बाजू का एरिया हमें कट कर लेना है। अब इसको थोड़ी देर सूखने देना है, फिर आप देख सकते हो इसको हमें कट करना स्टार्ट करना है। प्रॉपर तरीके से इसको कट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे पीछे के साइड लगा रही हूँ वैक्सिंग स्ट्रिप्स। वैक्सिंग स्ट्रिप को हमें पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ग्लू गन का, और इससे ना हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा। इसके सेंटर में मैंने एक डॉट किया है पेन की मदद से, आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे आएगी हमारा रिंग बेस। इसे और मजबूत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू फिर से पेस्ट कर दिया है सेंटर में, और यहाँ पे फिर से मैं वैक्सिंग स्ट्रिप इस तरीके से मैंने कट की है और इसके बीच में मैंने लगा दी। इसे मैंने पहन के देख भी लिया है कि ये सही लग रहा है कि नहीं। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैं ग्लू पेस्ट कर रही हूँ इसके कॉर्नर्स पे, और इसके ऊपर हम लगाएंगे कुंदन स्टोन। आप चाहे तो इसमें राइन स्टोन भी लगा सकते हो, और आपको राउंड कुंदन लगाने तो राउंड कुंदन भी लगा सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। अब सेंटर में मैं लगा रही हूँ राइन स्टोन चेन, और लास्ट में फिर से हम कुंदन स्टोन लगा देंगे। आप चाहते को आपका ये प्रोडक्ट खराब ना हो तो आप इसके ऊपर रेजिन भी अप्लाई कर सकते हैं। सुंदर सी रिंग बन के हो गई है रेडी, कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम बनाएंगे इयररिंग्स। इसमें प्रोसेस सेम ही रहेगी, कार्डबोर्ड लेना है उसको फैब्रिक से पेस्ट कर देना है, फिर पीकॉक का फेदर लेना है उसको भी पेस्ट कर देना है, और उसको लास्ट पे कट कर लेना है, फिर यहाँ पे कुंदन स्टोन लगा लेने हैं, और फिर राइन स्टोन चेन लगा लेनी है। देखते देखते हमारा बेस हो गया है रेडी। अब मैं ले रही हूँ इयररिंग हुप, इसके जो मोती थे वो मैंने निकाल ली है। अब मैंने इसको स्ट्रेट किया है और यहाँ से मैं कर्व कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ले लिया है सेंटर, और सेंटर के ऊपर मैंने डॉट कर दिया था व्हाइट पेन से, और यहाँ पे मैं रही हूँ ग्लू, और इसके ऊपर ये ईयर पेस्ट कर देंगे। हमारी इयररिंग्स हो गई रेडी। अब हम हमारे लास्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे नेक। मैंने यहाँ पे टोटल 5 बेस रेडी कर ली है, और इसको जो 4 सेंटर है उसके ऊपर भी मैंने मार्क कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप से इसको मार्किंग कर लिया है, जिससे हमको स्टिचिंग करने में इजी रहेगा। और मैं यहाँ पे जो नीडल यूज कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा पतली है, और इसको आजू बाजू से मैं स्टिच करना स्टार्ट कर दूंगी। 4 पीसेस को मैंने स्टिच कर लिया है। सेंटर में मैं बीट्स लगाना स्टार्ट करूंगी, और ये जो हमारा लास्ट वाला पीस है उसको भी मैं अटैच कर दूंगी, आई मीन स्टिच कर दूंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कॉर्नर वाले पोर्शन से मैंने जहाँ पे मार्क किया है वहां से मैं स्टिच करना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे 20 बीट्स लगाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी ज्वेलरी कनेक्टर। ऐसे ही हमें 3 लेयर करनी है, साइड में भी हमें सेम ऐसे ही 3 लेयर बनानी है। तो हो गया हमारा नेक पीस ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बैक क्रॉप, और यहाँ पे पीछे के साइड वैक्सिंग स्ट्रिप। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।